शीला मंडल जी हैं, नीतीश कुमार ने जो बयान दिया था उस बयान पर लोगों को आपत्ति थी और उन्होंने माफी भी मांग ली, लेकिन अब आप लोग इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं, कैसे? देखिए, आपने खुद कहा अभी कि माननीय मुख्यमंत्री जी की महानता है, उन्होंने कहा कि हमसे किसी को दुख हुआ तो माफी भी मांगते हैं। आपने खुद कहा कि माफी मांगे, तो जब सोचिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कितने उदार है, उन्होंने अपने आप को कहा कि हमसे गलती हुई तो हम इसके लिए क्षमा मांगते। आज देखिए पूरे बिहार में आज जाति आधारित जनगणना हुआ, आरक्षण बिल हुआ, आज देखिए जो अनुसूचित जनजाति जनजाति और अति पिछड़ों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, महिलाओं के लिए आज देखिए ना कि शिक्षा का क्या दर बढ़ गया है। पहले बेटियों को क्या था, घर चूल्हा, उसके भाग में क्या होता था, चूल्हा और दूल्हा ही तो था। आज देख लीजिए सड़क पर निकल रही बेटियां, सब क्षेत्रों में आगे बढ़ी, तो किसकी बदौलत हुआ? बिहार में पहले क्या स्थिति थी, किसी से छिपा था? लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं वो लोग की जो हाथी के दांत है, एक दिखाने के एक खाने के, वो लोग की मनसा कहीं नहीं है कि गरीब गुरबा लोग, अति पिछड़ा वर्ग का लोग, अनुसूचित जनजाति लोग आगे बढ़े, ये मुख्य धारा में सब एक साथ। जो आप NCERT की किताब के बारे में जो जिक्र कर रही हैं, उसके जिक्र करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? देखिए जिक्र नहीं कर रहे हैं, सत्य को दिखा रहे हैं आप लोग को कि आप जिस बात का विरोध कर रहे हैं आज इतने दिनों से, सोचिए आज सदन के जो आम जनता का यहाँ मुद्दा उठाया जाता है, उनको किसी व्यक्ति के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। आप देख लीजिए जिस बात का आप खंडन करना चाहते हैं वो NCERT की बुक है, आप उसमें सब चीज़ लिखा हुआ है। और हम लोग भी 86 में पास किए थे मैट्रिक, उस समय भी 9th-10th में पढ़ाया जाता था। तो आज देख लीजिए कि जिस चीज़ को तो सही, अगर आपको इतना ही विरोध है तो प्रधानमंत्री, माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कह दीजिए कि उसको हटा दिया जाए, बुक से सिलेबस से ही हटा दिया जाए। लेकिन वो किताब में है ना, बीजेपी वालों का कहना है कि सदन है, ये सदन में ऐसी बातों का, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। नहीं देखिए, वो लोग बोलते, अगर उतना ही उनको विरोध था तो जिस समय बोले उस समय वो क्यों मौन थे? आज जब दिल्ली से उनको आया कि तुम लोग पर आवाज उठाओ, उनका विरोध करो, तब उनको समझ में आया, पहले क्यों नहीं जागे? आपको बुरा लगा था नीतीश कुमार जब ये बातें कर रहे? ऐसे बात बता दे कि हमको क्यों बुरा लगेगा, वो गार्जियन है और उन्होंने जो महिलाओं के लिए बिहार में काम किया है उस बात को भी हम भली भांति समझते हैं कि महिलाओं की क्या स्थिति रही है, हम लोग से छुपा हुआ नहीं है। आप जान लीजिए महिलाओं को कुछ सोचना वो एक अपराध समझा जाता था पहले, अगर महिला सोच भी लेती कि हम मुखिया सरपंच बनेंगे तो वो बन सकती थी, उसका कल्पना करना भी एक अपराध होता था। लेकिन आज आपने सुना शीला मंडल को, और अब हम आपको दिखाते हैं अशोक चौधरी जी हैं जिनसे बात करेंगे। आपके सिलेबस को बदलवाइए, लैंग्वेज को बदलवाइए। अशोक चौधरी जी, ये क्या किताब लेकर के आप आए हैं और क्यों, किस बात को लेकर के आप बताना चाह रहे हैं? देखिए ऐसा है कि जो माननीय नेता ने बात कही और उसके दूसरे दिन माननीय नेता खुद आकर के उस बात के लिए उन्होंने माफी मांग लिया। मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार जी का जिस तरह का स्टेचर है उस तरह के आदमी ने खुद आकर के माफी मांग लिया और उन्होंने कहा कि हमको, अगर आप लोगों को मेरी भाषा बात गलत लगी तो हम माफ़ी मांगते हैं, लेकिन वापस लेते हैं और उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। और उसके बावजूद भी हम ये NCERT का किताब लेकर आए हैं, इंग्लिश और हिंदी वर्जन दोनों हैं। इन दोनों वर्जन में जो माननीय नेता ने बात कही है उन सब बातों का जिक्र है। आप 12th की किताब में बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं और बच्चों को आप उसके लिए परिपक्व कर रहे हैं, लेकिन अगर माननीय नेता ने मेच्योर लोगों के बीच कह दिया तो आप कह रहे हैं 3 दिन से कि नीतीश कुमार शर्म करो, और आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए, नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। तो पहले तो आप इस तरह के शर्म की बात को 12वीं के बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं, पहले तो सवाल आपके ऊपर उठता है कि आप जब है कि कहीं पे इशारा और कहीं पे निगाहें, कहीं पे इशारा, ये सब बिदंगड़ा ये लोग खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि ये आज जो बिल है जातीय गणना के बाद जो दलितों, अति पिछड़ों को इंपावर्ड करने का बिल, उस बिल के किसी तरह से इस असेंबली में पास नहीं हो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग बिदंगड़ा खड़ा कर रहे हैं, और जो बात और भाषा इसमें लिखी हुई है उससे 1% भी नीतीश कुमार जी अलग होकर के नहीं बोले हैं। फिर भी माननीय नेता ने माफ़ी मांगा, उसके बावजूद भी माननीय नेता के खिलाफ एक प्रपंच लचा जा रहा है पूरे देश में और कि इनको डॉक में खड़ा किया जाए। तो लोग इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं, तो वही तो हम कह रहे हैं, पहले NCERT के सिलेबस को चेंज कराओ ना। जब 12वीं के बच्चों को पढ़ाओगे उसमें आप कहोगे ठीक है, और नीतीश कुमार अगर हाउस में कह दिए तो उसको कहोगे गलत है, ये दोनों दो बात कैसे चलेगी? CBSE और NCERT के सिलेबस को चेंज करो, और जो लोगों ने सिलेबस बनाया है उनके ऊपर कार्रवाई करो। आपने सुना अशोक चौधरी जी को कि किस तरह से अब NCERT किताब के बहाने वो
न सिर्फ नीतीश कुमार का बचाव कर रहे हैं बल्कि बीजेपी पर भी हमलावर है। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना।